आईपीएल में इस साल अब इंतजार किया जा रहा है 18 मई का। क्यों? क्योंकि इस दिन आरसीबी और सीएसके के बीच हाई प्रोफाइल मुकाबला खेला जाना है। अब तक आईपीएल के प्लेऑफ में 3 टीमें एंट्री कर चुकी हैं और केवल एक ही स्पॉट बाकी है, जिसके लिए टेक्निकली 4 टीमों के बीच में भिड़ंत है। इसके लिए फैसला 18 जून यानी कि शनिवार को हो जाएगा। इस बीच वैसे तो ये माना जा रहा है कि जो भी टीम इस मैच को जीतेगी सीधा प्लेऑफ में चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आरसीबी जीत कर भी टॉप 4 में ना पहुंचे, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। बात पहले सीएसके की करते हैं। टीम अब तक 13 मुकाबले खेल चुकी है, उनमें से 7 मैच जीत चुकी है और 6 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। 14 अंकों के साथ टीम इस वक्त नंबर 4 पर काबिज है। इस बीच अगर नेट रन रेट की बात की जाए तो उसका नेट रन रेट पॉजिटिव में है 0.528, जो कि उसके लिए एक तरीके से वरदान साबित हो सकता है। अब बात आरसीबी की करते हैं। आरसीबी की टीम अब तक 13 मैचेस खेल चुकी है और इसमें से 6 मैच उसने जीते हैं, 7 में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। टीम इस वक्त अंक तालिका में 6 नंबर पे है। वहीं टीम का नेट रन रेट भी पॉजिटिव में है 0.387, जो उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल खड़ी कर सकता है। कैसे, अब जरा इसको समझते हैं। अब आपको प्लेऑफ के समीकरण को बताते हैं। अगर आरसीबी की टीम ने अगले मैच में पहले बल्लेबाजी की तो उसे सीएसके को कम से कम 18 रनों से हराना होगा। वहीं अगर बेंगलुरु की बल्लेबाजी बाद में आई तो उसके सामने जो भी टारगेट होगा उसे 18.1 ओवर्स में जीतना होगा। अगर आरसीबी ने यह काम सफलतापूर्वक कर दिया तो आरसीबी का नेट रन रेट सीएसके से ज्यादा हो जाएगा। हालांकि अंक तो बराबर ही रहेंगे, लेकिन नेट रन रेट के आधार पर टीम आगे निकल जाएगी। लेकिन अगर 18 से कम रन से आरसीबी जीतती है या फिर 18.1 ओवर के बाद टीम जीत दर्ज करती है तो फिर जीत के बाद भी आरसीबी के हाथ कुछ नहीं आएगा और हार के बाद भी सीएसके की टीम ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करने में कामयाब हो जाएगी। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और सीएसके और आरसीबी में वो कौन सी टीम होगी जो प्लेऑफ की चौथी टीम बनेगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी स्पोर्ट्स की दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स 9। नमस्कार।